रोहित शर्मा एक तो गलत टाइम पे आउट हुए क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे थे, और उसके बाद जब केएल राहुल और विराट कोहली खेलना शुरू हुए तो वो पार्टनरशिप की तरफ लग गए। ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टनरशिप लगाई लबुशेन और ट्रेविस हेड की, इनकी पार्टनरशिप की स्पीड देखें जी, और उनकी पार्टनरशिप की स्पीड देखें, वो फंस गए व्हाट इफ में कि अगर हमने हिट मारी आउट हो गए तो डिजास्टर है। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के टीम चौकर है, चौकर तो टीम इंडिया है। जिस तरीके से फाइनल में चौक किया है टीम इंडिया, जिस तरीके से लग रहा था कि इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के आसपास कोई भी टीम नहीं नजर आ रहा था, जिस टीम के साथ टीम इंडिया खेल रहा था एक तरफा अंदाज में जीत रहा था, लेकिन अंत में फाइनल में आकर टीम इंडिया ने चौक किया है, जिसके नतीजे में टीम इंडिया आज वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है, तो क्या कुछ कह रहे हैं रमेश राजा। तो आइएगा सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को वॉच। ने भी पार्टनरशिप लगाई लबुशेन और ट्रेविस हेड की, इनकी पार्टनरशिप की स्पीड देखें जी, और उनकी पार्टनरशिप की स्पीड देखें, वो फंस गए व्हाट इफ में कि अगर हमने हिट मारी आउट हो गए तो डिजास्टर है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा ऐसी की तैसी, उनका माइंड सेट और था। केएल राहुल ने असल में मैच थोड़ा सा बनाया भी और फंसवाया भी जी, क्योंकि जब आप 60 करते हैं 100 बॉलों में तो फिर आप आउट नहीं होते, तो वो लबुशेन वाली इनिंग्स खेले, मगर लबुशेन के साथ थे ट्रेविस हेड, वहां पे वो थे नहीं। विराट कोहली को बेहतरीन लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की, पीछे फंसा के रखा, और एंड में जो प्ले डाउन हुआ वो दो माइंड्स में थे कि क्या वो पुल करें या उसको ऐसे करके सिंगल लें। सो ये एक प्लान भी था। भारत जो मैच हारा है वो रोहित शर्मा की शॉट की वजह से खासा वो नीचे गए हैं, क्योंकि ये कहीं से 240 की पिच नहीं, बिल्कुल ये पिच थी करीबन 300 रन की या 270-280 करना चाहिए था भारत को, मगर केएल राहुल ने जो स्पीड पकड़नी चाहिए थी उस इनिंग्स में वो स्पीड नहीं पकड़ी। 10-12 साल से कोई आईसीसी कैबिनेट नहीं जीता, और जब आपके पास कोई विक्ट्री नहीं होती टाइटल की तो आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर में भी आते हो, और जो बैगेज था इनका हार्डशिप का, टाइटल ना जीतने का, सेमीफाइनल में कोलैप्स करना, चैंपियन ट्रॉफी हमसे हारे, दो सेमीफाइनल हारे, टेस्ट चैंपियनशिप के दो फाइनल हारे, ये आपको लगता है ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी इनको मरवा गया आज? देखिए ये ऑस्ट्रेलिया क्यों अच्छी है, क्योंकि उनके डीएनए में प्रेशर में क्लैरिटी है, उनके सिस्टम के थ्रू इस तरह से आते हैं। शायद भारत को भी सोचना है कि शायद इनके सिस्टम और स्ट्रांग होने वाला है, कि क्या होता है कि फाइनल हर्डल ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सो ये हालांकि ये सही कह रहे हैं इजहार के, जिस हिसाब से वो खेल रहे थे मैं समझ रहा था कि 20% अगर लो पे भी खेलें फिर भी ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक जरूर है। तो हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका का चोकर्स, तो ये फाइनल में चोक कर रहे हैं, ये पहुंचते हैं, और इसलिए इनको अफसोस होगा क्योंकि हर चीज इनकी तरफ सही जाती है। मतलब अगर आप फंड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप माइलस्टोन्स की बात करें, फैन फॉलोइंग की बात करें, इंटरेस्ट पूरी दुनिया का होता है इनमें, इन सब के बावजूद ये कहीं ना कहीं टेम्परमेंटल इश्यूज हैं और वो एड्रेस करने हैं। वो आई डोंट नो कि वो डीएनए में एड्रेस होंगे, क्योंकि बात करते हैं कि हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट है ये पुरानी से ज्यादा स्ट्रांग है और ज्यादा इसका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, या वो फिर सिस्टम से एड्रेस होंगे, किसी ना किसी तरह से होने जरूर है। रमेश भाई, अगर इस वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया की जर्नी देखें और शुरू में दो मैचेस हारे, बड़ी इन पे क्रिटिसाइज हुआ, जैम्पा पे बात बहुत हुई, वो हाईएस्ट विकेट टेकर बना उनके लिए, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड कप एज वेल, लेकिन जो इस हवाले से क्या राय रखते हैं? ये टीम के लिए खेले हैं वो, जो रिव्यू ना लेना भी होता है ना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने देखा है कि टीम्स जो होती हैं वो जो खास तौर पे जो हमारे एशियन ब्लॉक में है क्रिकेटर्स, वो फॉरन ले लेते हैं रिव्यू कि मेरी बचत किस तरह से हो जाए। तो ये जो नॉक लिया ना उन्होंने वो टीम के लिए लिया, क्योंकि उन्होंने पूछा और उनका ये ख्याल था कि अगर ये स्टंप्स को या बेल्स को किस भी कर रहे तो आउट है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया तो नहीं था, क्योंकि वो स्लोअर वन था, बाउंस हो रहा था, और स्लो बाउंस के ऊपर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं बॉल विकेट को लगेगा, बट आई थिंक एरर तो था ही था जजमेंट में, बट ये जो बड़ा डिसीजन था और वो लिया उन्होंने टीम के बेनिफिट के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने जो हैंड खेला ना इस फाइनल में वो है लाजवाब, क्योंकि वो ये है कि टॉस जीत के इस तरह की बॉलिंग करना, देखिए हर कोई टॉस जीतता है और वो कोशिश करता है कि लिमिट करे ताकि हम रन चेस करेंगे, और वो सोच रहे थे 300, उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन में कि 300 भी हम कर जाते हैं। तो पहले तो ये हैंड ब्रिलियंट खेला कि 240 में आउट किया, उसके बाद ये रीड किया कि शायद ड्यू होगी तो बैटिंग आसान हो जाएगी सेकेंड टाइम, क्योंकि गेंद स्किड करता है, स्पिन नहीं करता, सीम नहीं करता, और फिर तीन आउट के बावजूद जो काउंटर अटैक किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फाइनल का प्रेशर अलग होता है।
जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के टीम ने बॉलिंग की, बैटिंग की और काबिले तारीफ है, लग रहा था कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम इंडिया को टक्कर नहीं दे पाएगा, लेकिन अंत में जाकर चौक कर गया है टीम इंडिया। और कमिंग्स को आप जितना भी क्रेडिट दो उतना कम है, जिस तरीके से उन्होंने अपना बॉलिंग अटैक लगाया, उसके अलावा मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने कुछ हद तक कम्पैक्ट करने की कोशिश की, जिस तरीके से लगातार 3 विकेट गिर गया था ऑस्ट्रेलिया को, लग रहा था यहां से ऑस्ट्रेलिया के टीम को फंसा लेगी टीम इंडिया, लेकिन हेड और लबुस्ताने ने काफी शानदार बैटिंग की, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया के टीम वर्ल्ड कप 6ठा बार जीतने में कामयाब रहा। लग रहा था कि टीम इंडिया इस बार कुछ बड़ा करेगा, लेकिन रोहित शर्मा के एक गलती ने पूरा टीम इंडिया का समीकरण बदल कर रख दिया। जिस तरीके से गिल आउट हो गए थे, वहां रोहित शर्मा को इनिंग को बड़ा लेके जाना था, लेकिन रोहित शर्मा मैक्सवेल को ताबड़तोड़ मारने के कारण अपना विकेट गंवा दिए। वहां से टीम इंडिया के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया था के राहुल और विराट कोहली ने कुछ प्रेशर हटाने की कोशिश की, लेकिन का प्ले डाउन और बेड लक रहा विराट कोहली, जिसके कारण आउट होने के बाद टीम इंडिया और प्रेशर में आ गया। के राहुल ने बहुत ज्यादा गेंदे खेल ली, 106 गेंदों में मात्र 66 रन बनाए। यहां से टीम इंडिया के ऊपर और प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया को और मझधार में छोड़ के चले गए। लग रहा था कि सूर्य कुमार अंत के ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे तो टीम इंडिया 280-290 के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव बड़ा मैच का बड़ा प्लेयर नहीं है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के टीम बड़ा मैच का बड़ा टीम है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के टीम ने इस वर्ल्ड कप को जीता है, सारा क्रेडिट कमिंग्स को जाता है। इसके अलावा हेड ने काफी शानदार बैटिंग की। आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा कहां पे गलती कर दी? जहां पे गिल का विकेट चला गया था, वहां रोहित शर्मा को एक बड़ा इनिंग खेलना था। मुझे तो लग रहा है कि टीम इंडिया यहीं पे चूक कर गई, रोहित शर्मा यहीं पे चौक कर गई। आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को एक बड़ा इनिंग खेलना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।